मैं कह रहा हूँ ना, घूमो पूरा दुनिया पर रहो अपने इंडिया में, सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा अपना, इंडियन ब्रांड है काफ़ी अच्छे से, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं थी, प्लस लोग भी पूरी जर्नी में अच्छे अच्छे मिले, मतलब जो एक इंडियंस के दिमाग में रिसेप्शन रहता है कि बाहर दिक्कत आएगी लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, तो वो कुछ भी नहीं था, सब बढ़िया रिएक्ट हुआ। ईरान से भी हम निकले थे अपनी गाड़ी को लेकर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हेलो दोस्तों, जय श्री राम, मैं हूँ राजेश और आ चुका हूँ वापस से आपके लिए एक और अनोखा वीडियो लेके। तो गाइस, आप लोगों को हमारा पुराना वाला व्लॉग तो मिल ही चुका होगा और आपको पता है कि हम लोग दिल्ली आए हैं, लेकिन आप लोगों को ये भी पता चल गया होगा हमारा थंबनेल देख के कि हम लोग दिल्ली क्यों आए हैं। लेकिन मैं आप सभी को एक बार और बताना चाहता हूँ कि हम लोग आए हैं मिस्टर इंडियन बैग पेपर को मिलने के लिए, जो हाल ही में उन्होंने दिल्ली टू लंदन ट्रिप किया था, रोड ट्रिप, वो उनका सक्सेसफुली ख़त्म हो चुका है और उन्होंने वापस से एक मीटअप रखा है और उन्होंने नेक्स्ट प्लान भी रखा है। तो वो नेक्स्ट प्लान क्या रखा है और कैसे रखा है वो सब वो मीटअप में बताने वाले हैं, तो हम लोग जाने वाले हैं उनके मीटअप पे, तो उनसे हम लोग आज मिलने की कोशिश करेंगे और देखते हैं वो हमसे मिल पाते हैं या नहीं मिल पाते हैं। ये भी एक सिचुएशन ही होगा कि वो हमसे मिल ले तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी, तो कोशिश करेंगे उनसे मिले और कुछ उनसे उनकी जो नेक्स्ट ट्रिप है उनका प्लान हम लोग जाने। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया व्लॉग। अभी हम लोगों ने मेट्रो स्टेशन से ऊपर कर लिया है, अभी हम लोग जा रहे हैं लोकेशन पे, मीटअप की लोकेशन पे जा रहे हैं यहाँ से। तो यहाँ से कुछ 22 किलोमीटर की दूरी है जहाँ पे मीटअप रखा गया है, तो हम लोग अभी रोड कवर कर रहे हैं और आपको मैं आगे का व्यू दिखा देता हूँ। ये कुछ आगे का व्यू है, आप हमारे पीछे देख सकते हो हम फाइनली पहुंच चुके हैं अनमोल भाई के प्लान जहां पे रखा है उन लोगों ने मीटअप, वहां पे हम आ चुके हैं। आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे उन्होंने बोर्ड लगाया हुआ है, नमस्ते वेलकम, नमस्ते ऑस्ट्रेलिया, उनका जो नेक्स्ट प्लान होने वाला है उस चीज़ का उन्होंने यहां पे बोर्ड भी लगा दिया है। तो अभी हम अंदर जाएंगे और देखते हैं कितने बजे आते हैं कि आए हुए हैं कि क्या है उनका अगला प्रोसेस क्या है, सब थोड़ा जानते हैं और देखते हैं क्या होता है आगे, तो बने रहिए वीडियो में। पहले तो आपका बहुत बड़ा फैन हूं मैं। अरे फैन मत बोलो, गुजरात से आया हूं स्पेशल के लिए और आपसे मिलने के लिए, थैंक यू, और आपको ये कांग्रेचुलेशन देने के लिए। तो मैं थोड़ा सा जानकारी लेना चाहता हूं कि आपको ये जो लंदन ट्रिप था वो कैसा रहा, मतलब एक्सपीरियंस वहां का कैसा रहा? एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा, 30 देशों में अपना इंडियन ब्रांड की गाड़ी चला के आए हैं, वहाँ के टोल टैक्स कैसे थे, वहाँ की रोड्स कैसी थी, परमिशन क्या था, सब कुछ कवर किया। आपने तो सीरीज देखी होगी पूरी, बाकी हमारे एक्सपीरियंस की बात करें गाड़ी के साथ तो बहुत बढ़िया रहा, कोई दिक्कत नहीं आई और हमें भी कोई दिक्कत नहीं आई। और वो पीछे आपका ठोका था वो थोड़ा, वो तो छोटा मेन होता है ना, देखो मैकेनिकल इशू नहीं आना चाहिए, जो डेंटिंग वेंटिंग है ये तो काम चला ही देती है, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी जो आप नमस्ते ऑस्ट्रेलिया जो ट्रिप करने वाले हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमको दे दो तो अच्छा रहेगा। तो इस बार जो ट्रिप है हमारी वो इंडिया से ऑस्ट्रेलिया तक की होने वाली है, जिसमें 11 से ज़्यादा देश कवर करेंगे, 20,000 से 28,000 किलोमीटर के बीच में ये गाड़ी चलने वाली है टोटल, जिसमें अलग अलग तरह के टेरेन्स आएंगे, बर्फ़ भी मिलेगी, ऑफ रोडिंग भी मिलेगी, ठीक है, माउंट एवरेस्ट बेस कैंप के वहाँ से भी निकलेंगे, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी आएगी,
और लगभग लगभग 120 से 140 दिन का ट्रिप रहने वाला है पूरा। और आपने इसके साथ में जो सामान कैरी किया है उसमें क्या क्या आपने लिस्ट से किया होगा? हाँ, इसमें एक बेसिक का क्या है कि इंडिया, जैसे ये महिंद्रा ब्रांड है, वो इंडिया के अलावा किसी देश में नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में तो है बट बीच में नहीं है, तो सर्विस सेंटर नहीं मिलेगा ऑफिशियल कहीं भी, तो हमें सर्विस के लिए लोकल मैकेनिक पकड़ना, लेकिन पार्ट्स तो हमें देने पड़ेंगे ना। तो इसके लिए हमने इसका एसी फिल्टर, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, ब्रेक पैड्स, वाइपर सेट और जो भी रिंग विंग चेंज होती है वो छोटे मोटे बेसिक पार्ट्स रख लिए, उनको हम जाके देंगे, वो सर्विस कर देंगे, खत्म काम। और ये सब आपने वो जो इसका क्या बोलते हैं उसमें लिख दिया है ना इस बार, तो क्या चीज अगली बार अपना कारनेट में नहीं, इस बार शिप नहीं हो रही ना गाड़ी, इस बार हम सिंगापुर तक बाय रोड जा रहे हैं। पिछली बार क्या ईरान शिप हुई थी इसलिए फंस गए थे काम, पर अब तो हमें बाय रोड लैंड बॉर्डर क्रॉस करना है, तो कोई भी सामान ले जाओ, ड्रग्स नहीं ले जा सकते, बाकी कुछ भी ले जाओ। अनमोल जी, हमको अभी आगे थोड़ा ट्रिप दिखा दो ना एक बार। हाँ हाँ, तो जी ये अपना रैप है इस बार का पूरा रूट। इंडिया से हम शुरू कर रहे हैं दिल्ली से, जिसमें जाएंगे हम नेपाल काठमांडू, काठमांडू में हम अपना चाइनीज़ वीज़ा कलेक्ट करेंगे, उसके बाद एंटर करेंगे तिब्बत रीजन से, वहाँ की तिब्बत की कैपिटल है ल्हासा, उस सिटी तक जाके फिर सीधा खींचेंगे ऊपर बीजिंग तक, बीजिंग से हम वापस नीचे आएंगे लाओस करके कंट्री है, लाओस के बाद हम एंटर करेंगे वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार, मलेशिया, सिंगापुर, सिंगापुर तक ये पूरी रोड है, सारे बॉर्डर्स है, हर कहीं पे हम जा सकते हैं। उसके बाद बीच में समुद्र पड़ता है इंडोनेशिया के लिए, तो इसलिए हम यहाँ से फेरी लेंगे इंडोनेशिया की, और इंडोनेशिया से शिप पकड़ के लेंगे सीधा ऑस्ट्रेलिया की। अगर ऑस्ट्रेलिया पूरा कवर करने के लिए हम यहाँ पे मिलेगी हमें गाड़ी वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में, ये पूरा बाय रोड कवर करते हुए कोस्टल एरिया, सिडनी, मेलबोर्न, एडिलेड, ओवल, ब्रिस्बेन, गोल्ड कोस्ट, सब करते करते यहाँ सिडनी में एंड करेंगे हम अपनी ट्रिप को। और अगर यहाँ से हिम्मत बची तो शिप कर देंगे न्यूजीलैंड, नहीं बची तो शिप कर देंगे इंडिया वापस। तो ये टोटल प्लान कितने दिन का रखा है आपने? टोटल सिंगापुर तक 100 दिन लगेंगे, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया हमें डिपेंड करता है हम कितना घूमना चाहते हैं, 1.5 महीना 2 महीना, आप इतना बड़ा ऑस्ट्रेलिया आप 5 महीने भी घूम सकते हो, तो वो उस टाइम ही देखेंगे पूरा। कंप्लीट रोड ट्रिप है कि सर बीच में भी कोई? सिंगापुर तक रोड ट्रिप है, सिंगापुर से आगे शिप होगी गाड़ी। और एक लास्ट सवाल था आपसे कि आपने जो लंदन वाला ट्रिप था उसमें 15 अगस्त के दिन आपने हमको जो गिफ्ट दिया था वो हमको सबको पता चल गया, वो टाइमिंग ही कुछ ऐसी बैठी ना कि पहुंचे ही भी उस टाइम पे, तो इस बार 26 जनवरी आएगा उस पे आप क्या देने वाले हो वही हम जानना चाहते हैं आप। 26 जनवरी में मैं होऊंगा मोटा मोटा थाईलैंड में होऊंगा, तो अपने जितने भी इंडियन भाई लोग थाईलैंड में होंगे उन सबको मीटअप करके अपना फ्लैग होस्ट करेंगे थाईलैंड में प्रॉपर। कुछ सरप्राइज रखा है आपने? नहीं सरप्राइज तो कुछ नहीं है, बाकी रस्ते में कुछ आ जाए दिमाग में तो कह नहीं सकते, देखेंगे। अनमोल सर वो अपने ट्रॉफी ले आना ऑफिस में। अच्छा यार देखो अब फायदा नहीं ना लाके, जीते नहीं, जीते तो रखने का फायदा था ना, अब लाके क्या करेंगे, आपको पैसे दे देंगे वो, जैसे अभी मीटअप कर रहे हैं आपको पैसे दे देंगे। मीटअप होगा फिर अगली ट्रिप जो शुरू होगी वो भी थोड़ा जल्दी हो जाएगी, मतलब मैं जापान तो नहीं, अब थोड़ा सा लंबा करेंगे इस बार, देखते क्या रूट बनेगा। उसके बाद क्या सोचा आपने, कौन सी ट्रिप? मेरा तो एम ये 90 देशों में गाड़ियां जा सकती है, तो 90 देश तो इससे करने और 2 लाख किलोमीटर चलानी है। और ये ऑस्ट्रेलिया का ट्रिप का कितना प्लान का खर्चा बैठा होगा अपना? खर्चा एस्टीमेट तो 40 के आसपास लगाया है, अब लगेगा कितना वो एंड में ही पता चलेगा। लंदन में 36 लगा है 2 लोगों का, तो 18 के आसपास। इसमें सब इंक्लूडेड होता है, परमिशंस, कारनेट, रहना खाना, डीजल, सब कुछ, टोल टैक्स वगैरह पूरा। तो ये स्पॉन्सर ट्रिप है आपकी अपनी है? स्पॉन्सर तो नहीं होती, पर यूट्यूब के थ्रू छोटे मोटे ब्रांड्स और ये स्पॉन्सर मिल जाते हैं, पर मेजोरिटी खर्चा सोच के ही चलना पड़ता है कि हम ही पे करेंगे। हालांकि पिछले ट्रिप में आ गए थे, इस बार नहीं आए हैं, तो हो सकता है ट्रिप के बीच में आ जाए, तो कह नहीं सकते। ब्रांड आए हैं आपके पास? अभी 2 ही आए हैं यहाँ पे, वो भी कुछ खास इतने बड़े नहीं मिले, आगे जाके स्टिकर से भर के आएगा थोड़ा सा। जाते जाते स्पॉन्सर महिंद्रा से या पर्सनल है? नहीं नहीं खुद है, महिंद्रा का से कोई स्पॉन्सर नहीं। एक पर्सनल बात है, महिंद्रा एक्चुअली स्पॉन्सर नगर, बट एक ग्रेटिट्यूड तो देना चाहिए भाई को, वो उनकी मर्जी है, इतना तो देना चाहिए। आपको सबसे बढ़िया आपकी फेवरेट कंट्री कौन सी लगी? मेरे को यार मजा सबसे ज्यादा ईरान और टर्की में आया था, लेकिन आपका जो फेवरेट था एम्स्टरडम थी। हाँ मेरी बिल्कुल बिल्कुल। ब्रो वहाँ जो फोन चोरी हुआ था उसका सीन बता। चोरी होने से बच ही गया समझ लो। हाँ कैसे गया, आपको खौफ इतना था? नहीं देखो वो ना हाई होते हैं, उन्होंने फूक रखी होती है। अच्छा। तो उनको तो होश ही नहीं है वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं, तो उसने जैसे ही देखा मैं भाग के आ रहा हूँ उसने फोन छोड़ के खुद ही भाग गया वो भाई। वहाँ पर किसी ने बता दिया था ना आपको? हाँ हाँ हाँ, पेरिस साइड तो बहुत ज्यादा है, वहाँ तो जेब कतरे बहुत है, मतलब बढ़िया कंट्री है। ना 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 ना, आप यूएस की वीडियोस देखो, न्यूयॉर्क में क्या बुरा हाल है, मतलब मीडिया दिखाती है सब कुछ अच्छा अच्छा, रोड पे कचरा पड़ा हुआ है, मेट्रो में उसमें सबवे में इतने सीन हो रहे हैं, रिकॉर्ड नहीं करने देते हैं। बढ़िया है सब, मैं कह रहा हूँ ना घूमो पूरा दुनिया,
पर रहो अपने इंडिया में सबसे बेस्ट। जैसे मैंने आपको कमेंट करा था आईफिल टावर के नीचे अपनी गाड़ी, तो क्या वो अलाउड नहीं? नहीं नहीं, वहाँ अलाउड नहीं है, उस पूरी रोड पे गाड़ियां ही ले जाना अलाउड नहीं है, उसमें सिर्फ पैदल लोगों के लिए। स्कॉर्पियो एंड आईफिल टावर के साथ बिल्कुल, इस बार ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के आगे खड़ी करेंगे और वहाँ सिडनी ओपेरा हाउस के आगे भी। अब अलाउड करेंगे नहीं पता नहीं ना, क्योंकि जो वेस्टर्न ये वाली कंट्रीज है ना, इनमें थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस रहती है कि आप गाड़ी कहीं भी खड़ी नहीं कर सकते एकदम से। अब जैसे इंडिया में तो क्या, हाईवे पे जा रहे हो साइड लगा के फोटो ले लो वीडियो, वहाँ नहीं रोक सकते आप, ये चीज़ें वहाँ पे नहीं। आपने बोला था कि चाइना के अंदर आपको एक एजेंट परमानेंट रखना पड़ेगा, हाँ हाँ, तो आपको साथ ही रखना है। वो दो ऑप्शन देते हैं, या तो उनकी अपनी गाड़ी होगी जिसमें वो रहेगा, उसका खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए हमारी सीट थी, मैंने कहा हमारी गाड़ी में बैठ जाओ, कोई नहीं खर्चा बच जाएगा। साथ में और कौन कौन जा रहे हैं? एक सोहन है मेरा कैमरामैन, वो जा रहा है साथ में। 24 आवर्स रहेगा आपके साथ? हाँ साथ ही है एजेंट, होटल में अलग सोएगा अपने, जहाँ भी रहना होगा गाड़ी में साथ जाओगे। अलाउड नहीं है वहाँ पे बिना एजेंट के ड्राइविंग। हाँ ड्राइविंग, जैसे हम वहाँ से जाते हैं एयरप्लेन वगैरह से, तो तब नहीं, गाड़ी अगर आप लेके एंटर कर रहे हो तो बिना एजेंट के आप घुस नहीं सकते और ना निकल सकते वहाँ से। वहाँ चाइना छोड़ोगे नहीं, चाइना के थोड़े से रूल्स स्ट्रिक्ट है वहाँ पे, वही है बस। फुल ट्रिप पे आप भी चला लास्ट टाइम जैसे भाई, अभी एक के साथ गया था आपके? बढ़िया रहा एकदम बढ़िया, वो उसका होटल का वो है आज, वो अयोध्या में है अभी, उसका होटल का वो था इनॉग्रेशन आज, इसलिए मुझे ना इस बार थोड़ा प्लान अपने अकॉर्डिंग करना था, कि जैसे उस पिछली बार उसकी जॉब का थोड़ा चक्कर था कि उसको जल्दी आना था वापस, तो उस वजह से हमने काफ़ी बीच में एक दो देश भी मतलब काटने पड़े थे चक्कर में, तो इस बार मुझे ये है कि चाहे 6 महीने लग जाए पर अपने हिसाब से प्लान रहे पूरा, कि कहाँ रुकना है कहाँ घूमना है। सर अभी तो यार यही देखो, अभी आगे का मत सोचो, ये कंप्लीट होगा तब पूछना फिर। आपका चालान कट जाता कैसे पे करते हो? चलान तो क्या हर जगह कैश, टोल टैक्स में कार्ड कैश चल जाता है सब जगह, सबसे बेस्ट है यहाँ से यूएस डॉलर कैरी करो, उस देश में जाके उनकी करेंसी में चेंज करवा लो। यूरोप तो बहुत महंगा है, अब ये देश थोड़े फिर भी सस्ते हैं, ऑस्ट्रेलिया छोड़ के थाईलैंड वाईलैंड में होटल भी 2-2.5 हज़ार में अच्छा मिल जाता है, और पार्किंग फ्री होती है होटलों में, क्योंकि हाँ 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 बहुत ज्यादा। थोड़ा खाने का भी रिव्यू दो, जैसे हर कंट्री देंगे यार, टर्की का उसमें डिफरेंस भी बताओ कि खाने में क्या फर्क है। फूड चैनल यार देखो, ये वाले जो देश है ना, इनमें ज्यादातर मिलता है नॉन वेज, वो वाला कि कोई मकड़िया खा रहा है, कोई सी फूड खा रहा है, अब वो हम खा नहीं सकते ना दिखा सकते, चिकन मटन ही है बस, वही है उतना ही। नहीं नहीं मैं तो नॉन वेजिटेरियन हूँ, पर वो सब नहीं खाता मैं। भैया ट्रॉफी के पीछे पड़ गए, अब ऑस्ट्रेलिया वाले मुझे ही ना वहाँ धर ले कि ये चुराने ही आया ट्रॉफी को। वैसे मेरे ख्याल से ट्रॉफी रहती नहीं है वहाँ पे, ट्रॉफी लॉर्ड्स के स्टेडियम में रहती है हमेशा, ये सिर्फ फोटो होती है और उनको मिला, पर वो ले जाते नहीं है शायद से जहाँ तक मुझे, क्योंकि मैं हाँ हाँ, तो मैं जब लंदन गया था लॉर्ड्स के स्टेडियम में, वहाँ पे वर्ल्ड कप की ट्रॉफी ऑलरेडी पड़ी थी, तो वो वहीं पे ही रहती है, बस जब वर्ल्ड कप होता है तो वो भेज देते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। लॉर्ड्स का लॉर्ड्स देखा था हमने, न्यूजीलैंड का अगर हिम्मत बचेगी तो जाएंगे, वरना इंडिया वापस। वीजा वगैरह सब रेडी? वीजा ऑस्ट्रेलिया का लगता है, न्यूजीलैंड भी दे देता है, तो अभी अप्लाई नहीं किया न्यूजीलैंड पर, करेंगे तो मिल जाएगा। मतलब ना ये प्रायोरिटी आपको देती है कि कोई बंदा अगर इतना लंबा ट्रैवल कर रहा है तो उसको परेशान ना करे, अब इन देशों में क्या होगा पता नहीं। भाई अभी चाइना को लेकर कैसे क्या लगता है, चाइना में भी दिक्कत नहीं आएगी इन सबको लेकर? चाइना में लग रही है दिक्कत, एक मेजोरिटी दिक्कत तो इसकी लग रही है, क्योंकि चाइना के हिसाब से वो कहता है कि वो हमारा पार्ट है, हम कहते हैं जी हमारा पार्ट है, तब क्या होगा क्या नहीं वो तो वहीं जाके पता चलेगा, जो भी है देखा जाएगा। तो गाइस हम लोग जिस काम के लिए वापिस से दिल्ली तक आए थे, वो काम सक्सेसफुली कम्प्लीट हो चुका है, और हमारे पीछे देख पा रहे होंगे अनमोल जी से हमारी बात हो चुकी, और उनसे थोड़ी सी वीडियो क्लिप भी मिल चुकी है हमको। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बिना जाइएगा मत। मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।